दोस्तों, हम हर वक्त हर पल कोई ना कोई कहानी बयान कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप हर वक्त किसी ना किसी एक कहानी में हो। और जब हम ये कहानी सही तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं ना, तब सिर्फ तीन चीजें होती हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन और एंगर। इस बात का कि हमारी बात को कोई समझता क्यों नहीं है, या हम सामने वाले की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हम इस मैसेज एक्सचेंज को ठीक से कर क्यों नहीं पा रहे हैं। अब मैंने बात की है मैसेज एक्सचेंज की, तो मैं बात कर लेती हूँ पहले कि मैसेज एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, जब हम किसी भी तरीके के मैसेज को, यानी कि अगर मैं उसको कह लूँ स्टोरी को, अगर मैं उसको दे रही हूँ, उसको सुना रही हूँ, तो मैं हूँ मैसेंजर और जो लोग उसको सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो है रिसीवर। तो जब मैसेंजर और रिसीवर के बीच ये मैसेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, इसको कहते हैं मैसेज एक्सचेंज या स्टोरी एक्सचेंज। स्टोरी एक्सचेंज को करना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, ये इस बात से पता चल जाता है कि हमारी लाइफ में 80% ऑफ द टाइम हम वर्बली अपनी बात, अपनी स्टोरी को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ 20% टाइम हम नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यही एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो सेकेंड हमारा सीक्रेट है स्टोरी टेलिंग का, हम उसको तो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे ठीक से। जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बात को, अपनी कहानी को ठीक से सुनाएंगे कैसे? हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैं हूं आपकी दोस्त शिवांगी, और इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाली हूँ स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, और आपकी नॉर्मल डेली लाइफ में स्टोरी टेलिंग कहाँ कैसे इम्प्लाई हो सकती है उससे रिलेटेड, और उससे आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को, सीखने को मिलेंगी जो आपको और कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। मेरे चैनल का सारा कंटेंट 100% ओरिजिनल और बढ़िया कंटेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बात करते हैं अपनी सेकेंड सीक्रेट की, पर उसका नाम रिवील करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने वाइब जो वर्ड है कई बार अपनी लाइफ में यूज़ किया है कि नहीं किया है? आई एम श्योर सबने किया होगा। वाइब क्या होती है? ये वाइब क्या चीज़ है? हम कई बार बोलते हैं ना कि किसी सामने वाले से हमारी वेवलेंथ मैच हो रही है। व्हाट इज़ दिस वेवलेंथ? ये वाइब क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये वो है जब हम किसी सामने वाले को, कोई सामने वाला बात करे या ना करे, वो हमें एक्सेप्टेबल लगता है, वो हमें अच्छा लगता है, हम उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। यहाँ पर आता है हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज, विच इज योर बॉडी लैंग्वेज। यही है हमारी आज की सेकेंड सीक्रेट, जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। देखिए, हमारी लाइफ में कोई हमको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, किसी से बातचीत करनी हो, या नहीं भी करनी हो, सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट रहना हो, तो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज हर वक्त 24 घंटे बात करती रहती है और मैसेज और एनर्जी रिसीव करती रहती है। इसी एनर्जी को फिर वो रिसीव करके अब्जॉर्ब करती है और री रिलीज करती है एनर्जी को। एंड दिस इज वेयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपन्स। यही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो इंटरव्यूज में, जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स में सबसे पहले इसी चीज़ को देखते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो कितना, बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी है। कई बार ऐसा होता है हम किसी से मिलते हैं, और या मान लीजिए आप किसी के साथ डेट पर जाते हैं, और आपको उनसे मिलकर या तो बहुत अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता। बातों वाइज नहीं, आपको उनकी बातें याद नहीं रहती, आपको याद रहता है उनका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, चाहे वो लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, वो भी एक तरीके की लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे आपने कहीं पे किसी के घर जाते होंगे, आपने देखा होगा कि किसी का घर बहुत ही इनवाइटिंग होता है, वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं। ये आपको कैसे पता लगता है? घर तो आपसे बात नहीं कर रहा, तो कैसे पता लगता है? जो कलर्स होते हैं और जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, फर्नीचर होता है, ये सब चीज़ें भी एक तरीके की आपको पॉजिटिविटी, एक एनर्जी रिलीज करती हैं जिनसे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फील होता है। तो जो जितने भी होम डेकोर में जितने भी लोग बिजनेस में हैं, उन्होंने इस चीज़ को डीकोड कर लिया है, और इसीलिए अब आप कहीं पर भी किसी अच्छे घर में जाएं तो वहाँ की आपको वाइब्स से ही इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि वाकई में ये घर बहुत बहुत इम्प्रेसिव और इनवाइटिंग है। अब जब हम
घरों में ऐसी चीजें कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी जो खुद की अपनी बॉडी है, क्या हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते जिससे हमें ऐसा लग, जिससे हमारे रिसीवर को आपकी जो बात है कहने की वो आपके बोलने से पहले ही समझ में आ जाए, या समझ में आए तो इतनी इफेक्टिवली समझ में आए कि वो उसको हमेशा याद रखे, मेमोराइज रखे। यही चीजें हैं जो हमें अपने बॉडी लैंग्वेज में चेंज करनी है। कपिल शर्मा को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। कपिल शर्मा कैसे बने हैं, उनमें ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो बाकी कॉमेडियंस में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनमें कोई स्किल नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर हो सकता है बहुत काम किया है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज भी दो तरीके की होती है, एक होती है इनहेरेंट जो आपको विरासत में मिली है, जो कुदरती है आपकी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड जो आप धीरे धीरे अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास की फैमिली से, लोग से, दोस्तों से सीखते हैं। कहते हैं ना कि जिस संगत में रहो वैसे ही हो जाते हो, ये बॉडी लैंग्वेज जो है, यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है कि आप अपने दोस्तों के साथ जैसे रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप उनकी तरह ही रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग स्पेशल या बड़े कैसे बन पाते हैं, जब वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को रियलाइज, जब वो इस चीज़ को रियलाइज करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू करते हैं। बॉडी लैंग्वेज पर काम कैसे किया जाए, देखिए बॉडी लैंग्वेज को सिंक में लाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो इतनी यू कैन से कि डीएक्टिवेटेड होती है कि आप अपनी वर्बली बातचीत में, या आप कह सकते हैं आप इतने वाक् चतुर्य हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो एलोकेंस है और आपकी जो पर्सुएसिव स्पीच है वो भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही डल है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी पर काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें तो दुनिया का कोई ऐसा पेशा नहीं है जिसमें स्टोरी टेलिंग इम्प्लाई नहीं होती। ऐसा किस लिए, बस में दातुन बेचने वाला जो एक नॉर्मल सेल्समैन है, वहाँ से लेकर कोई बिजनेसमैन हो, कोई राइटर हो, कोई एंटरटेनर हो, कोई सिंगर हो, कोई डांसर हो, कोई वकील हो, कोई नेता अभिनेता, कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जहाँ पर भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ स्टोरी टेलिंग ही यूज़ हो रही है। मार्केटियर्स ने स्टोरी टेलिंग को डीकोड कर लिया है, और इसीलिए आज की डेट में जो आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन पर होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि वो स्टोरी सुना रही है, किसी तरीके से आपको स्टोरी टेलिंग से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपने स्टोरी टेलिंग को अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में ले आए, अपनी टीचिंग में या पेरेंटिंग में ले आए, तो ये सोचिए कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। और ये सब सीखने के लिए आपको कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ ये 30 डेज का कोर्स ऑनलाइन करिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ और सिर्फ मेरी रोज़ की जो वीडियोस हैं इनको फॉलो कीजिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये गारंटी है, मेरा ये दावा है 100% कि इसको करने के बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इतने बढ़िया स्टोरी टेलर बन जाओगे कि आप किसी भी फील्ड में होंगे, यू कैन सक्सीड। आपको पता है मैं आपको कोई भी महंगा कोर्स या कोई भी पेड कोर्स क्यों रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये गलती करी हुई है। मैंने खुद ने पेड कोर्सेज किए, हजारों रुपए फूके इन कोर्सेज में, क्योंकि मुझे लगा था एज अ स्टोरी टेलर मैं 6 साल का मेरा करियर है, मुझे लगा हो सकता है मुझे इन कोर्सेज में कुछ ऐसा सीखने को मिले जो मुझे मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में नहीं मिला। लेकिन मेरी इतनी बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो कोर्सेज करने के बाद इतना पछतावा हुआ कि यार मैंने इनको क्यों किया, जब मुझे ये ऑलरेडी आता था, ये तो मुझे पहले 1 साल में ही वैसे ही अपने एक्सपीरियंस से मैं बहुत कुछ सीख गई थी जिसका दावा यहाँ पर किया जा रहा था। और लेट मी टेल यू, कोई भी कोर्स 3 दिन में आपको स्टोरी टेलर नहीं बना सकता। आपको अच्छा वक्ता, आपको अच्छा एक्सप्रेसिव इफेक्टिव कम्युनिकेटर स्टोरी टेलर नहीं बना सकता जब तक आप कुछ चीज़ों पर खुद ही काम ना करें, और वो करना बहुत ज़रूरी है। वो हम विद टाइम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डे ईच डे एट अ टाइम करेंगे। एक दिन में घुट्टी पिलाने वाली कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं दे सकती, ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है जिससे हम एक दिन में या 3 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में एक स्टोरी टेलर बन जाएं। कोर्सेज के नाम पर आज की डेट में यूडेमी है या बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी अपने नाम पर कोर्सेज बेच रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कोर्सेज बेच रहे हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट, क्वेश्चंस, डिल्यूजन, डीमोटिवेशन, और एंड में ये सोचना पड़ जाता है कि वाकई में क्या मैं स्टोरी टेलर बन भी सकती हूँ कि नहीं। आपको जिस चीज़ के लिए, जिन सवालों के लिए आपने पे किया है, जिन चीज़ों के को आप जानना चाहते हैं, आपको वो सब आंसर्स इन कोर्सेज में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि
क्योंकि कोई भी स्टोरी टेलर आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा। मैं भी एक टाइम पर पेड कोर्सेज दिया करती थी, लेट मी टेल यू, मैं भी पेड कोर्सेज दिया करती थी, लेकिन कुछ ही टाइम तक के लिए। और वो भी मुझे तब एकदम जब ये रियलाइज हुआ कि मैं पेड कोर्सेज के थ्रू अपनी इस नॉलेज को मैक्सिमम लोगों तक, दुनिया भर तक नहीं पहुंचा सकती, जितना कि मैं यूट्यूब के जरिए या ऑनलाइन के इस तरीके से मैं आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ जो मेरे पास है और जिस पे हम धीरे धीरे काम करेंगे। यार एक दिन में काम करेंगे, एक रातों रात कोई भी स्टार नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है और अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबाओ, नोटिफिकेशन वाली बेल दबा दो ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, और इस वीडियो को शेयर करो। तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।